गर्मा गर्म आलू के पराठे और मक्खन के साथ सिंपल और टेस्टी डिनर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरे एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिना प्याज और लहसुन वाले आलू के पराठे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं, तो आज मैं वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं। अक्सर क्या होता है ना, जब भी मैं आलू पराठे बनाती हूँ तो जो मतलब मेरे ससुराल में स्टार्टिंग से बनती आ रही थी, तो उसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर बनाते थे हम लोग। लेकिन अब बच्चों क्या होता है, हर रोज एक नया टेस्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने कुछ टेस्ट चेंज कर दिया और फिर ये टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखिये, आलू उबाल लिए हैं मैंने, इसे ठंडा कर लिया, इसे छील कर इसमें बाकी मसाले मिलाऊंगी। तो सुबह का नाश्ता आज होगा आलू के पराठों के साथ। तो ये रेसिपी देखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ आलू को अच्छी तरह से छील कर मैंने मैश कर लिया है और इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ 2 चम्मच भर कर डाल दिया है हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला, साथ ही 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे आलू के पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डाल देंगे एक अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक, तो लगभग 1/2 चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है। और थोड़ी सी अजवाइन ले ली 1/4 चम्मच, जिसे इस तरह हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जिससे अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा पराठों में। और हल्की सी लाल मिर्च डाल रही हूँ यहाँ, एक चटपटा और तीखा टेस्ट देने के लिए। और 1/4 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, चाट मसाले का टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अब स्वादानुसार सफ़ेद नमक मिला देंगे, क्योंकि काला नमक हमने मिलाया हुआ है, तो उसी हिसाब से यहाँ सफ़ेद नमक हम मिलाएंगे। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे आलुओं में। फ्रेंड्स, इस तरह आलू का पराठा बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो दोबारा इसी रेसिपी से आप आलू के पराठे खाना पसंद करेंगे। अब देखिए, स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो आटा इसके लिए बहुत सॉफ्ट लगाया है मैंने। जब भी भरवा पराठे बनाएं तो आटा उसके लिए सॉफ्ट लगाएं। इससे क्या होता है कि आलू के पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, स्टफिंग हो गई तैयार। अब इसे रख दूंगी मैं एक साइड में और तवा गरम करेंगे और पराठा बनाना शुरू। तो देखिए, मैंने तवा रख दिया है गैस पर और तवा को लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए, जब तक मैं लोई बना ले रही हूँ। और इस पे सूखा आटा लगाकर इस तरह कटोरी का शेप दे दूंगी। देखिए, इतनी बड़ी लोई ले ली है मैंने और कटोरी का शेप दे दिया है, जो बीच से मोटा और किनारे से थोड़ा पतला कर लेंगे। और इसमें 1 चम्मच भर कर डाल दिए स्टफिंग। मेरी बेटी को तो आलू के पराठे जब बनाते हो तो स्टफिंग उससे कुछ ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इस तरह से इसे पोटली का शेप देते हुए मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। और सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से हम बेलेंगे। तो आटा नरम लगाने का यही फायदा होता है कि आलू के पराठे फटते भी नहीं हैं और बड़ी आसानी से बेल जाते हैं। तो देखिए, पराठा बेल गया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर तवा भी गर्म हो चुका है। तो अब पराठे सेक लेंगे। तो जब तक एक पराठा सिक रहा है, मैं दूसरा भी तैयार कर लूंगी। इसी तरह से कटोरी का शेप देते हुए स्टफिंग भरेंगे। और जब पराठे का जो तवे पे रखा है हमने, उसका कलर चेंज हो जाए तो उसे पलट देंगे और पलटते हुए इसे हम सेक लेंगे।
पराठा सिक गया है तो हल्का है, मतलब इस पे तेल या घी जो भी आपको पसंद हो वो लगा लीजिए, और इस तरह से इसे पलट कर दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी सेक लेंगे। देखिए पराठे फूल भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो इस तरह दबाते हुए इसे सेक लूँगी और एक बहुत ही करारा और क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरह से फूल गया है पराठा। इस तरह से हम पराठों को सेक लेंगे और गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। तो मैं पराठे बनाते जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट सर्व करती जा रही हूँ, तो खाने वाले बैठे हुए हैं और पराठा बनते जा रहा है। और आप तो जानते हैं जब नाश्ते में हो आलू का पराठा तो प्लेट खाली होने में देरी नहीं लगती है, तो आलू के पराठे बनते जाएंगे और प्लेट खाली होती जाएगी। तो अब हाथ काफ़ी फटाफट चल रहा है, फटाफट मैं आलू के पराठों को सेक रही हूँ। आलू के पराठों के साथ दही जिसमें भुना हुआ जीरा मिला लें और थोड़ा सा काला नमक, तो मिलाकर मैंने रख लिया है, और साथ ही ले ली है चटनी हरे धनिए की दही वाली, और जिससे भी आप पसंद करते हो अचार या सॉस उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं इन पराठों को। तो मैं तो यहाँ दही और हरी चटनी के साथ इन पराठों को सर्व कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे खाने में। तो पराठे बन रहे हैं, और ये देखिए प्लेट तैयार हो चुकी है, ऊपर से मक्खन, तो काफ़ी टेस्टी है। इंजॉय कर कीजिए हमारे साथ इस आलू को पराठों को। और सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब शाम को मैं लेकर आ रही हूँ सब्जी, तो नीचे ही गली में आ जाते हैं सब्जी वाले, तो आवाज़ लगाते हैं, तब मैं चली गई थी और मैंने देखा तो फिर सब्जी ले आई हूँ। कटहल लाए थे आज गली में, तो कटहल ना हमारे यहाँ देखिए इस तरह से काट कर देते हैं, छील कर इस तरह पीसेस में काट देते हैं। कटहल ले आई हूँ मैं, गोभी ले लिया है एक फूल और टमाटर। तो कटहल को इस तरह से काट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घर में लाओ ना फिर छीलो और उन्हें काटो तो हाथ भी चिपचिपे से हो जाते हैं, और उनके पास जो चक्कू होता है ना उनसे बड़ी आसानी से कट जाता है। तो अब सोच रही हूँ डिनर में कटहल की सब्जी ही बनाई जाए। और काफ़ी दिनों के बाद गली में कटहल बेचने वाला आया था, और कटहल ना मुझे बहुत पसंद है, और छोटे बीज वाले कटहल, छोटे बीज जो होते हैं ना कटहल में, तो उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना बीज तो रेशे रेशे से होते हैं, तो उसकी सब्जी पसंद नहीं आती है हमें, हम तो छोटे बीज वाला ही लेते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए मेरे साथ देखिए इस रेसिपी को, और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं कटहल की सब्जी। तो फ्रेंड्स देखिए कटहल को मैंने इस तरह से कोई कोई पीसेस बड़े थे तो उनको छोटा कर लिया है, और इस तरह के पीसेस में काट दिया है, कोई छोटे कोई बड़े ऐसे हैं। और इसके लिए मैंने प्याज ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 3 प्याज, 4 छीले, 1 मैं दाल बनाऊंगी और दाल फ्राई करूंगी, वो भी कुकर में फ्राई करके दाल को बना लूंगी मैं, और 1 प्याज सब्जी के लिए। और यहाँ दाल ले ली है, तड़का दाल बनाऊंगी, तो जिसके लिए ले ली है मैंने ये 1 कप दाल है, 1 कप से मतलब कम दाल है ये, जिसमें आधा हिस्सा अरहर की दाल है और आधे हिस्से में लाल वाली मसूर की दाल आती है ना, ये मसूर की दाल और मूंग की दाल पीली वाली सब मिक्स है। तो कई लोग तो कटहल की सब्जी तलकर भी बनाते हैं, तो मैं तलकर नहीं बनाऊंगी, मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी, और फ्राई करके ये बहुत टेस्टी बनती है। तो कभी कभी मतलब कभी कभी मैं तलकर बनाती, तलकर भी मैं कभी ये रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। फ्रेंड्स कढ़ाई रख दी है मैंने, और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल भी डाल दिए हैं, और कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें ले लिए 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 लौंग और थोड़ी सी हींग, ये तड़के में डालूंगी मैं। और खड़े मसाले डालने से ना सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, ये डाल दूंगी।
और पहले क्या होता था ना, पहले आज से करीब 25-30 साल पहले जब गांव में शादी होती थी तो पहले शादी जो तो बारात 3 दिन रुकते थे, आज बारात आई है, आज शादी होगी, दूसरे दिन मरजात कहते थे हमारे, मतलब गोरखपुर साइड पे ही होगी, साइड पे काफी लोग जानते होंगे। और तब ना बनाए पहले दिन तो मतलब पूरी सब्जी पुलाव जो भी बनता था शादी के दिन वो सब, और दूसरे दिन क्या होता था कटहल की सब्जी, परवल परवल की सब्जी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती थी, और चौलाई का साग ये बनाया जाता था। तो कच्चा खाना कहते थे, दाल चावल और चूल्हे पे बनते थे, मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां सेकती थी, औरतें सब इकट्ठा हो जाती थी, पूरे परिवार के इकट्ठा हो जाते थे सारी औरतें और मिलकर बनाते थे खाना, बहुत अच्छा लगता था। बड़े बड़े कटोरे में चावल बनते थे, फिर चावल ऐसे ठंडे किए जाते थे और तो काफी अच्छा लगता था। और फिर ना कटहल की सब्जी बनती थी तो लोग बहुत पसंद से खाते थे, और कटहल की सब्जी भी ना काफी नाम भी होता है, कटहल की सब्जी बनी हुई है और परवल की सब्जी, मतलब काफी फेमस होती थी और काफी लोगों को पसंद भी रहती थी। और हमारे तो क्या होता था ना, मोस्टली हम मुंबई से गांव जाते थे तो अप्रैल और मई की छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, तो उन्हीं छुट्टियों में और फिर चाचा के बड़े पिताजी के बच्चों की जो शादी होती थी ना, फिर अप्रैल मई में ही डेट चलती थी, तो उन्हीं सीजन में हम जाते थे। और वही 1 महीने या 1.5 महीने छोटे छोटे थे हम, तो वही मतलब शादी में 1-1.5 महीने छुट्टियां बिता लेते थे, हर साल नहीं जाते थे, जो शादी किसी की पड़ी तो जाते थे, और 2 साल पे 3 साल पे ऐसे जाना होता था, तो काफी अच्छे दिन थे, काफी अच्छा लगता था। और अब तो देखिए माहौल कितना चेंज है, अब तो शादी में जाइए परवल मतलब वो तो मतलब कहीं दिखेगा ही नहीं, और अब तो फिर अब जगह ले ली मटर पनीर नहीं, शाही पनीर नहीं, और मिक्स वेज नहीं, दाल मखनी नहीं, अब छोड़ो नहीं, अब तो यही दिखता है। और वो ना हो पार्टी में, तो पार्टी में तो फिर मतलब खाने में तो कुछ है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपनी सब्जी। तो तेल गर्म हो चुका है, बातें करते करते देखिए यहाँ डाल दी मैंने खड़े मसाले, और प्याज को ना चीकर से लंबा काट लिया है। तो प्याज भुन गया था तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने कटहल, और कटहल को भी इस तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और कटहल लाल ना हो जाए। कटहल लाल हो चुके थे तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही 1 बड़ा चम्मच भरकर ले लिया है धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च ले ली है। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से। और यहाँ डाल दिया 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है गर्म मसाला, क्योंकि कटहल की सब्जी में ना थोड़ा गर्म मसाला स्ट्रॉन्ग ही अच्छा लगता है। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है और लो फ्लेम पर, गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया मैंने, और इन्हें मतलब 1 मिनट इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लिया है मसालों के साथ कटहल को, और यहीं पर डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, और नमक को मिलाकर अच्छी तरह से हम इसे सब्जी को मतलब चला लेंगे अच्छी तरह से, और 2 से 3 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर हमें मसालों के साथ कटहल को भूनना है। और हल्का सा जब जैसे लगे कि हमें मसाले फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से खुशबू आने लगे, तो 2 चम्मच पानी डालकर फिर इसे हम भुनेंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भुनेंगे, और जब मसाले एकदम फ्राई हो जाएंगे तेल छोड़ने लगेंगे, फिर हल्का सा 2 चम्मच पानी डालकर हम इन्हें भुनेंगे। और इस तरह से ना सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगी और कटहल भी आसानी से पक जाते हैं। और 2 से 3 बार इस तरह करने के बाद हम धीमी आंच पे ही ढककर सब्जी पका लेंगे, और इसमें 1/4 चम्मच करीब पानी डालकर छोड़ देंगे जब मसाले भुन जाएंगे। और दूसरी तरफ कुकर रख दिया है मैंने, और दाल मतलब इसमें दाल में लगाएंगे तड़का, और साथ ही तड़के के साथ दाल पकाएंगे। फ्रेंड्स कई लोग होता है ना कटहल में टमाटर का टेस्ट पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कटहल में,
क्योंकि बिना टमाटर के ही ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ कुकर में मैंने एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। घी या तेल जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल दीजिए, और उसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा, और बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे। और चुटकी भर हींग भी डाल दिया है मैंने, क्योंकि तड़के वाली दाल हो तो हींग के बिना अधूरी लगती है। और जीरा लाल होने पर मैं इसमें डाल दूंगी 2 सूखी लाल मिर्ची। और दाल को अच्छी तरह से धोकर मैंने 10-15 मिनट पहले ही इसे भिगो दिया था। तो देखिए, सूखी लाल मिर्च भी लाल हो गई थी। उसमें मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, और प्याज को भी हम अच्छी तरह से चलाते फ्राई करेंगे। प्याज को भी हम चलाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हल्का हल्का गोल्डन कर लेंगे। और इस तरह से चलाते हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। ये पे डाल दिया है मैंने 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ लिया था, और 3 से 4 लहसुन कलियों को बारीक काट लिया था, और साथ ही 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब यहीं पे एक टमाटर ले लिया है, इसे इस तरह से काट कर डाल दिया है। अब टमाटरों के साथ भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। यहीं पे डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच करीब लाल मिर्च डाल दी है मैंने। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है आप। मिर्च मैंने दाल में हरी भी डाली है, तो उसी हिसाब से मैंने लाल मिर्च डाली है, और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के फ्राई करेंगे, और टमाटर को इस तरह से दबाते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। फ्रेंड्स, भुने हुए जीरे का जो पाउडर है ना दाल में, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर 1/4 चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों को मिला लेंगे हम। और यहाँ 2 चम्मच पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले जले ना, तो इस तरह से इसे चलाते हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पे डाल दिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, और सभी मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से खुशबू आने लगे। तो यहीं पे डाल दिया मैंने दालों को, और दाल डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक दाल के साथ ही मसालों को भून लेंगे। दाल में आवश्यकता अनुसार डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसे 3 से 4 सीटियाँ लगा लूँगी, क्योंकि दाल भिगो रखी थी मैंने, और फिर 3 से 4 सीटी में दाल अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ करछी में चिपक गई थी दालें, उसे भी इस तरह से मैंने मिला दिया है। ये यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये तड़का दाल जैसे आप मतलब इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ना। मतलब पहले क्या होता है, लोग दाल बना लेते हैं बाद में तड़का लगाते हैं, लेकिन ये इस तरह से बनाने में समय की भी बचत होगी, और दाल भी बिल्कुल मतलब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर 3 से 4 सीटियाँ लगा लूँगी, और सब्जी मेरी पक चुकी है, तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और अब बारी है रोटियों की। तो चावल भी एक तरफ मैंने पतीले में बना लिया था। देखिए, तैयार हो गई कटहल की सब्जी, दाल फ्राई, साथ में चावल। अब डिनर करूंगी मैं सर। तो कटहल की सब्जी के साथ दाल फ्राई और चावल, रोटी पे घी लगा दिया है,
तो इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये सिंपल डिनर रूटीन। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज का डिनर हमारे साथ रेडी है, थैंक यू। सब्जी दाल तड़का और तवा रोटी के साथ, चलिए एंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।